नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा हलचल में। दोस्तों, किसान आंदोलन चल रहा है और हमारे साथ ताऊ जी हैं खटखट टोल पर अभी मौजूद, और जो अभी हालात चल रहे हैं इनके बारे में जानेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। सबसे पहला तो मैं तेरे इस चैनल ने राम नाम और तन राम राम, क्योंकि तो ही एक ऐसा चैनल तुम्हारा ही जो हमारी एक एक बात को एक एक करते पहुँचाता है। और ताऊ ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आपने सुना दे। और आंदोलन कैसे चल रहा है? आंदोलन भाई जमा पूरा लबा लपा है, जो मीडिया ये दिखाता है नहीं, बाज गाजीपुर पे कम हो गया, राज टिकरी पे कम हो गया, राज उस पर। मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, ट्रैक्टरियों के यों खड़े हैं, बल्कि अब लोगों ने अपनी झोपड़ी गालनी शुरू कर दिया, क्योंकि आगे किस इसका सीजन आ गया भाई गेहूं का। ट्रैक्टर घर की तरफ आ रहा है, लेकिन अपना ठिकाना पक्का बना लिया, झोपड़ी मकान बना लिए पक्के। नेशनल मीडिया दिखा रही है किसान को जो भीड़ थी ना पहले से, वो कम होती जा रही है भाई साहब। नहीं, एक मिनट, ठीक है, वो बात तो आपकी मानकर नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया के पास ऐसा कोई कैमरा नहीं जो एकदम सारे किसानों को दिखा सकता हो। मैं इसकी तो उस मीडिया को चुनौती देता हूँ, बिल्कुल, चाहे कितना बड़ा भी ले रहे हो। मैं टिकरी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, टिकरी बोर्ड यहाँ से का दायरा जो करीब 15-20 किलोमीटर का है। और जैसे एक मुहिम चलाई थी कि दूध है ना गाँव में अभी 100 रुपये किलो करेंगे, तो ये इसको दूध को कौन करेगा 100 रुपये किलो? नहीं, किसान ने, एक मिनट, हमारे ही भाई दूध पीते गांव के अंदर, जो हम डायरी में देते हैं नहीं, उसके लिए हम चाहे कुछ भी करें, जो हम आपस में ले और दे भी कर रहे हैं, जैसे आपने ले लिया किसी और ने ले लिया, उसके लिए 100 रुपये किलो नहीं है। और ना ऐसे वो अपने उनकी, लेकिन अभी तक तो ये मुहिम चली नहीं है, एक दो का विचार हो सकता है, लेकिन बाकी ज्यादा नहीं है। नहीं, लगातार कई पोस्ट भी आती कि 1 मार्च से करेंगे, है 1 मार्च से कि 100 रुपये किलो दूध हो जाएगा। आज तीन है, आप देख लो, आज हो रहा हो तो बता दो। नहीं, अभी दूध के बारे में अभी कुछ और नहीं है फैसला। नहीं, आज 3 मार्च हो गया, आज आप बता दो कहीं हो रहे हो। हम तो सीधी ही एक बार जानते भैया, देखो हमने अपना संयम बरतना होगा, अपना जनसंख्या दिखानी होगी। ये दिन दूर नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे, ये दावे के साथ कह सकते, जीत हमारी पक्की है। और जैसे अभी गेहूं और सरसों का फसल भी आ गया, ये इसकी भी कटाई करनी है, और फिर वहां भी बैठे हैं किसान, तो फिर कैसे होगा? मेरे भाई, फसल भी काटेंगे, आंदोलन भी चलावेंगे, और संख्या ने भी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने ऐसा अंदाजा लगा लिया, हमने प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक हमारे 8-8, 10-10 पन्ने हैं, एक एक पन्नों में 15-15, 20-20 आदमी एक एक हफ्ते के लिए रहेंगे, वो भी अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे, लेकिन आंदोलन को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हर आदमी तो गेहूँ काट नहीं रहा, मशीनों का काम है उसमें सारा ही घर में, अगर 4 बंदे हैं तो एक आदमी काम करेगा, बाकी 3 धरने पे जाओ, ताश खेलो, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, धरना कमजोर नहीं होगा बिल्कुल भी। जो फसल अपनी अभी तैयार है उसको भी मतलब साथ में खेती का काम भी चलेगा और आंदोलन मजबूत चलेगा, खेती का काम भी पूरा चलेगा, आंदोलन भी पूरा चलेगा। हमें मोदी का इतना डर नहीं है जितना हमें अपने भाइयों का डर है, उन भाइयों का डर है जिसकी अपनी इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। वो ऐसी बातें करते हैं जिससे कि जो धरने पे बैठे लोग उनकी धरने के ऊपर बैठे हैं उनका भी अपमान होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे अनबुलाए तो खाम खाई के बैठे हैं। अरे एक बार अपने अंतरात्मा को जगा और बाहर निकल के देख कौन कहाँ बैठे है। और मोदी का हमें कोई डर नहीं, मोदी के और हमारे बीच में 3 साल बाकी हैं, या तो 3 साल में मोदी मान जाओ सुधर जाओ, 3 साल में हम मोदी पे धरती नाग लदर तिर कटवा देंगे, और इस कानून जो कानून लगा रखे नहीं, इन कानूनों को हम अपने नए सिरे से बनावाएंगे। तो आपको कितना लगता है कि अभी सरकार मानेगी या फिर इलेक्शन की इलेक्शन तक चलेगा आंदोलन? बात सुनो, इलेक्शन तो तकरीबन 4-5 स्टेटों में है, पहले हम यहीं से मुहिम चलाएंगे, इन्हें तो शुरू से छोटे निचले स्तर पर धोते चलाएंगे, चाहे किसी भी स्टेट में हो, जैसे बंगाल में है, आगे 4 स्टेट में और है, लेकिन हम सारे यहाँ बीजेपी को हराने का काम करेंगे, जितना भी होगा, जितना भी हमारे से अपना अलग होगा। हम तो भैया आंदोलन क्या, बंगाल में भी जाएंगे, हमारी 2-3 बसें हमने तैयार कर रखी हैं, यहाँ से 2-3 बसें जाएंगी बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल के लिए भी कटेगी, बंगाल के भी लिए भी, बस सुनो, हम ये नहीं कहेंगे अब तृणमूल कांग्रेस को उड़ दे, हम केवल एक ही बात कहेंगे, भाई बीजेपी के सिवाय किसी को दे दो, क्योंकि जो आदमी है बीजेपी, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा, ये बिल्कुल सारे के सारे झूठे हैं। और अमित शाह की तो मैं तो और पुरानी बता दूं, 11 फरवरी 2018 में जींद के अंदर आया था जाट संघर्ष, जाट आंदोलन के माध्यम से, उस टाइम लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों किसानों ने, जाटा ने एक बात कर ली थी कि भाई किसी भी रास्ते से मोटरसाइकिल बनाने के लिए करा, भाई अमित शाह को दिल्ली में नहीं, जींद में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 11 आना था 15 तारीख ने, 11 तारीख ने
एमरजेंसी आया क्या, खुद किसानों से माफ़ी मांग के कहा था, बोला जो तारे आरक्षण लागू होगा, जो तारे किसान भाई जाट भाई पकड़ के वो सारे रिहा कर दूंगा। लेकिन इस प्रकार झूठा तो एक भी कौन नहीं, अमित शाह का होना मेरा जितना झूठा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को सारा देश ने देख ली भाई, 15 लाख तक चल लिया था, अरे इस लगा गया कहती है जूठा लग रहा भाई, अच्छे दिन लगे ये बाप देख लो मेरे भाई, मेरा ज़्यादा गुम हो कितने का अच्छे दिन आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं मना बता दो। देखो जनता ने प्रधानमंत्री चुना था, जनता ने बनाया है, अगर जनता इस कानून से नाराज है तो इसमें ज़बरदस्ती क्यों है, पहली बात तो ये है। जब प्रजा चाहती नहीं, इसमें गरीब भी है, छोटा किसान भी है, बड़ा किसान भी है, मजदूर भी है, सभी भाई हैं, तो अगर इसको चाहते ही नहीं तो लागू करना क्या जरूरी है, लागू क्यों कर रहे हो, तो इसमें आपकी भलाई आपकी दुगनी होगी। नहीं लग भलाई हम चाहते ही नहीं, हम तो बुरा चाहते हैं, लेकिन क्यों प्रजा ने बनाया है, अगर प्रजा इसका विरोध करती है तो इसमें जबरदस्ती क्यों है, पहली बात ये है। अगर प्रजा इसको स्वीकार नहीं करती तो किस लिए ये कानून बनाए हैं, क्यों लागू कर रहे हैं, ये तो कह रहे कि भाई किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के हित के लिए मैं बताऊंगा इसके बारे में। नहीं नहीं, किसानों का सिस्टम जो है सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, किसानों का आय दुगनी करता हूँ, आज मोदी जी किसी भी चैनल के माध्यम से बता दो किसान की आमदनी आज क्या है, अगर आज भी वो पूरी पूरी आमदनी बता दे रहे हैं किसान की इतनी है और 2022 में हम इतने कर देंगे, हम आज भी धरना उठा भाई, मैं कहूँगा भाई सारे मोर्चा तो अपील करूँगा भाई धरना उठा लो, अगर सही सही बताता तो। ये चुनौती है बिल्कुल मोदी को ही चुनौती है, जब उसने ये नहीं मेरा किसान की आमदनी कितनी है, किसान और भी किसान बड़ी मुश्किल से 500 रुपये कमाता है, अंबानी अडानी 9 करोड़ कमाते हैं, वो तो उनका कठपुतली हो चुका है, उसने सारा देश बेच दिया, उसके बाद केवल किसान ही ऐसा बच्चा था जो अपना गुजारा अपने तरीके से कर रहा था, क्योंकि सभी कंपनियां फैल हो चुकी हैं, आप देख लो हर साल कितने बालक नौकरियां तो निकाले जा रहे हैं, इस बात का तो आपने पूरा अंदाजा, क्यों हम तो यहां तक सीमित है, आप तो चुगर तक घूमो, आपका चैनल चुगर तक घूमता है, आपने ये फिर आपका कौन कितना उस पानी में, लेकिन हमने कहा हम ज़्यादा पानी में है उसकी, वो तो हमारा बनाया है, हम परमात्मा के बनाए हैं, पहला हमारा ऊपर दाता उसके बाद हम दाता, ये तो हमारा भिखारी है, ये हमारे पास भी मांगने लगा था लेकिन हम इसके पास नहीं जाते। और जो कानूनों की बात रही, कानून में अगर इतना अच्छा होता नहीं, आज 98-99 दिन हो गए किसान को, एक दिन भी खोल के बता दो किसान इसमें कानून में ये अच्छा है, एक चीज़ बता दो तब भी हम मान लेंगे हमें ये अच्छा है, जब हमने सारे वकीलों ने बेरा, एक्सपर्ट ने बेरा, भाई किसान नेताओं ने बेरा, इसके अंदर अच्छा एक भी निशारा काला है, और फिर भी वो आदमी ये इतना मूर्ख आदमी मन तो कभी देखना नहीं मिला भाई, ठीक है वो हमने प्रधानमंत्री बना दिया वो हमारी भूल थी, लेकिन तो अभी सरकार और किसानों के बीच में बातचीत ही बंद है, वो तो एक मिनट पहले भी सरकार ने बातचीत के लिए बोला थे, अब भी बुलाना चाहो तो बातचीत के लिए तो हम किसी टाइम भी हल निकालना चाहता, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में नुकसान होता है, जनमाल का तो हम ये नहीं करना चाहते, क्योंकि जवान है जो हमारे बेटे हैं, हम किसान हैं, रही बात और किसी तरह का लड़ना चाहता उसका तो तैयार अभी हमें, हमारे पास उसके पास एक हथियार है EVM का, हमारे पास हथियार है अपने जनसंख्या का अनुशासन का, ना जी हम तोड़वा गए जहाँ तक अंदाजा होगा, हम प्रत्येक गाँव में उसका वोट नहीं करेंगे तो आओगे कहाँ से भाई, खुला के देख लेंगे 10-50 वोट डाल के, अगर फिर भी हो गए तो हम बंद कर देंगे वहाँ पर, मतलब इसके में EVM का विरोध करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे भाई, बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, हम बंगाल में भी तकरीबन यही बात उठाएंगे जाके, जहाँ तक मारी चलेगी तो, अगर नहीं चलेगी तो देखेंगे, लेकिन हम जहाँ भी जो उसके पर जो उसको हराने का वादा रखती पार्टी उसके हक में बोल लेंगे भाई, ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं भाई किसान लगातार बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जहाँ भी इलेक्शन होंगे वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, अब जैसे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है तो किसानों का ये कहना कि भाई हम वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ भी जाकर बीजेपी का विरोध करेंगे, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।